हम लोग कल बौद्ध धर्म पढ़ लिए, आज जैन धर्म, समझ गए? जैन धर्म क्या है? जैन धर्म एक धर्म ही है, समझ गए? जैसे बौद्ध धर्म कल पढ़े थे, तो बौद्ध धर्म का कोई ना कोई संस्थापक था ना, तो बौद्ध धर्म के साथ कौन था? गौतम। इसी प्रकार एक जैन धर्म है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? महावीर स्वामी, ठीक ना? अब फिर से बोलिए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ठीक ना? जैन धर्म जिसे गौतम बुद्ध ने क्या था कि बौद्ध धर्म का नींव ही डाला था, यानी खुद ही स्थापना किया था, लेकिन महावीर स्वामी जो है, समझ गए, जैन धर्म का स्थापना नहीं किए हुए, ठीक ना? हाँ, इसके स्थापना कोई और किए हुए हैं। ये 24 नंबर पे आते हैं, कितने नंबर पे आते हैं? 24। तो सर कौन इसका स्थापना किया, कोई तो होगा ना? तो जैन धर्म के जो प्रथम जो तीर्थंकर, तीर्थंकर यानी क्या होता है? गुरु। क्या होता है? गुरु। तीर्थंकर का मतलब ही होता है अवतार या गुरु। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव। ये जो टॉपिक है जैन धर्म बौद्ध धर्म, आपके 12th एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड में, समझ गए, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है कि सब्जेक्टिव में देता है, ऑब्जेक्टिव तो इस डेट ऑफ मिस कहीं ना कहीं से आपको रहेगा। ये टॉपिक बहुत ही खतरनाक है, समझ गए? अच्छे से पढ़िए। तो जैन धर्म का यानी जो फर्स्ट यानी एक नंबर का संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। यानी ऋषभदेव ने ही जैन धर्म का नींव डाला, यानी प्रवर्तक यही है, समझ गए? इसके बाद और तीर्थंकर आए गए, लेकिन हम लोग एक एक सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब 24 को यही पढ़ेंगे, फिर आगे चैप्टर भी पढ़ना है, तो जो जो मेन मेन है उसको पढ़ लेते हैं, समझ गए? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। कौन हुए? एक नंबर कौन हुए? ऋषभदेव। एक नंबर कौन हुए? ऋषभदेव। 23वें नंबर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक है, बहुत अच्छे गुरु थे, ठीक है, बहुत अच्छा तपस्या भी किए झारखंड में, समझ गए? एगो पर्वत था वहां पर जाके, शिखर पे जाके बैठे, तपस्या करके आए, ज्ञान की प्राप्ति करके। तो ऋषभदेव नहीं, कौन ऋषभदेव कौन थे? प्रथम तीर्थंकर। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। ने क्या हुआ कि जब ज्ञान की प्राप्ति करके आए, तो हम लोगों के बीच 4 गो सिद्धांत दिया। कितना सिद्धांत दिया? 4। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ ने कितना सिद्धांत दिया? 4 सिद्धांत दिया। कितना दिया? 4। कितना सिद्धांत दिया? 4। 4 सिद्धांत में पहला बोला सत्य, अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह। यानी बोला क्या कि सत्य यानी क्या होता है? कभी झूठ मत बोलो। सत्य इसका अहिंसा यानी कभी हिंसा नहीं करो। कभी हिंसा यानी तो ना किसी का जो मर्डर उडर होता है, काट कूट ये सब मत करो। इसके बाद अस्तय अपरिग्रह यानी चोरी मत करो और धन संग्रह ना करो। नहीं सुने थे कि ये कहावत था? कबीर जी कह गए थे कि साईं मुझे इतना ही दीजिए, ज्यादा आपसे नहीं मांग रहे, बस इतना दे दीजिए कि जिससे हम भी भूखा ना रहे, हम मेरे द्वार पे कोई कुटुंब यानी कोई साधु बाबा भी आवे तो भूखा हम आपसे कोई बोरा बिस्तर के धन नहीं मांग रहे हैं, समझ गए? ऐसे हम लोग कहानी सुनेगा, थोड़ा सा जोक सेटेगा, हंसिएगा मत, ऐसे बस जोक से बात थोड़ा सा एंजॉय तो होगा ही ना। और माना जाता है ना कि औरत लोग जो होती है, औरत लोग बहुत ब्रेन की तेज होती है, समझ गए, बहुत ज्यादा दिमाग के तेज होती है, ठीक। एक बार क्या हुआ, एक औरत थी, समझ गए, जो बहुत ज्यादा तपस्या करके हमारे शंकर भगवान को खुश कर ली। सुनिए, बहुत ज्यादा कठोर तपस्या के बाद शंकर भगवान को क्या कर लिए? खुश कर लिए। अब हल्ला ना कीजिए, ठीक ना? शंकर भगवान को खुश कर लिए ना। अब शंकर भगवान अवतार लिए, अब बोला कि बेटी तुमको जो मांगना है मांगो। लेकिन शंकर भगवान समझ गए, महिला है, बड़ा तेज आदमी होगा, महिला जात है, समझ गया। बोला कि देखो तुम जो मांगना से मांग सकते हो, बस एक कंडीशन है। बोला क्या कंडीशन है प्रभु? बोला कंडीशन यही है कि हम तुमको जो देंगे इसका 10 गुना तुम्हारे सास को देंगे, समझ गए? आप सास अपुतों में समझते हैं, पूरा 90 दिए कांटा जाता है, पूरा 90 जानते हो ना, पूरा 19-20 रहेगा, कम ना है। शंकर जी समझ गए, महिला जात है, बड़ा तेज है, उटपटाहे मांगेगी। पहले बोल दिया कि बेटी जो तुम मांगेगी तुमसे 10 गुना तुम्हारे सास को देंगे, मांगो तुमको जो मांगना है। महिला बड़ा तेज, महिला बोला ठीक है, बोला पहला वरदान हमको, समझ गए, बहुत ज्यादा यानी बोले ना एक घर सोना दे दीजिए, यानी 5 किलो 10 किलो सोना दीजिए। बोला ठीक है। तो मानो महिला को दिया 10 किलो, तो उसके सास को 100 किलो, 10 गुना, ठीक ना? बोला कि हमको इतना सौ रुपया दीजिए, 1 करोड़ रुपया दीजिए, इसके सास को 10 गुना रुपया दे दिया। और लास्ट में एक नंबर तुम्हारा बचा हुआ है, तुम एक नंबर तो मांग सकते हो। तो बोला कि हमको छोटा सा हार्ट अटैक दीजिए, छोटा सा, कितना सा? छोटा सा। एक छोटा सा
हार्ट अटैक दे दीजिए। बोला ठीक है, इसका 10 गुना किसको दिया? एक बुरा आदमी था, 10 गुना हार्ट अटैक दिया, बुढ़िया मर गया। जब ये बुढ़िया मर, इसे थोड़ा बहुत इलाज उलाज करा, ठीक हो गया, अपनों वाला जमा कर लिया, सासू वाला सब। इसलिए महिला बड़ा तेज होती है, ठीक ना? वही सुना रहे थे कहानी, क्या हुए कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभ। इसके बाद और सारा आए गए, लेकिन जो मेन मेन पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कौन थे? पार्श्वनाथ ने कितना सिद्धांत दिया? 4, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। यानी बोले कि झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, धन को संग्रह मत करो, और चोरी न करो। ये बात बोल के चले गए। इसके बाद अगला है, यानी अगला यानी 24वें, अगला यानी कौन होंगे? 24वें यानी अंतिम है। इसके बाद कोई तीर्थंकर हुए ही नहीं, ठीक ना? जब जैन धर्म खत्म होगा, ठीक। यानी पूछेगा कि महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें भी है और अंतिम भी है। पूछेगा कोई दूर अंक से कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए? अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? दोनों यही है। महावीर स्वामी पहले इसका नाम था बचपन में वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। ये भी छोटा सा बच्चा होगा, उसका जीवन परिचय कुछ देख लेते हैं। तो बताइए, तो जो आपका जैन धर्म है इसका संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। शर्त एक नंबर में ई है, तो फिर संस्थापक कैसे हो गया? ई प्रवर्तक है, यानी स्थापना के। लेकिन महावीर स्वामी के समय जैन धर्म बहुत ज्यादा विकास कर, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बताइए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन हुए? जैन धर्म का बचपन का नाम? वास्तविक का नाम पूछे या बचपन का नाम पूछे, बात क्या है? एक ही है। बोलिए, महावीर स्वामी का बचपन का नाम? वर्धमान। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? किस स्थान पे हुआ था? कुंड ग्राम। कुंडल मत मत कहिए, कुंडल वन अलग जगह है, कुंड ग्राम। कहाँ पे है? वैशाली में। अच्छा बताइए, क्वेश्चन आपसे है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? बिहार के, बिहार के नहीं, नेपाल के लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। इनका जन्म कहाँ पे हो रहा है? कुंडग्राम। हाँ, जन्म हुआ कब था? मृत्यु कब हुआ? 468 BC में। यानी टोटल 72 वर्ष जिंदा रहे। जिंदा ज्यादा कौन रहे? गौतम बुद्ध की महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध 80 साल रहे, 72 साल। इसके बाद महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पे हो गया? पावापुरी, शॉर्टकट पावा चलेगा, पावा में हो गया, बिहार में ही जगह है। इसके बाद क्या हुआ? इसके मम्मी का नाम क्या, माता का नाम? त्रिशला। ये भी राजकुमारी। जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़िएगा, बौद्ध धर्म तो बौद्ध धर्म देखे होइएगा, इसके पापा भी राजा, मम्मी भी राजकुमारी, सेम वही है। इसके माता कौन है? त्रिशला। ये भी राजकुमारी। इसके पिता कौन है? सिद्धार्थ। उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ है, याद कीजिए। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। इसके पापा के नाम सिद्धार्थ। इसका कौन सा कुल है? ज्ञात्री कुल है। पूछेगा कि महावीर स्वामी किस कुल के थे? ज्ञात्री कुल के। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या थी? यशोदा। अब जब गौतम बुद्ध का बात करेंगे, यशोधरा। क्या था? यशोधरा। इसका यशोधरा, इसका यशोधरा। इसके बाद फिर से पूछेगा इसका संतान। जैसे हम पढ़े थे, जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महावीर कौन हुए थे? महावीर स्वामी नहीं, कौन हुए थे बौद्ध धर्म का? गौतम बुद्ध। कौन हुए थे? गौतम बुद्ध के संतान हुआ था जी, बेटा की बेटी हुआ था। क्या नाम था? राहुल। राहुल। इसी प्रकार उसका संतान पुत्री है। क्या है? पुत्री। पुत्री, समझ गए? इसका संतान, समझ गए, लिखा ही नहीं है। इसके संतान का नाम क्या है? प्रियदर्शना। संतान में 30 वर्ष लिखे, गलती लिखा हुआ था सुधा, ठीक है? प्रियदर्शना, समझ गए? 30 वर्ष में क्या घर छोड़ा, समझ गए? ये वाला ऊपर लिखा गया था, समझ गए? बेटा के अरेंज कर लीजिए। बताइए फिर से कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शना। इसको अनुजया भी कहा गया है। अनुजया, अनुजया यानी बहुत सुंदर लड़की थी, समझ गए? इसलिए अनुजया भी कहा गया। जैसे बताइए गौतम बुद्ध ने कितने में, 29 में छोड़ा था, तो महावीर स्वामी कितने में घर छोड़ा? में दोनों घर छोड़ रहा है। देखिए 29 में घर छोड़ा था, 6 साल तपस्या, यानी 35 में ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। ये 30 में छोड़ रहे हैं, 12 साल लग रहा है। कितना साल? 12 साल, यानी 42 वर्ष। देखिये 1 साल का फर्क है। वही ना बोले हैं कि समय पर कुछ कर लीजिए ना, फिर समय फिर तक आपको करवाइए लेगा, ठीक है? देखो 1 साल के फर्क है कि गौतम बुद्ध ने 29 में घर छोड़ा, तो मात्र 6 साल तपस्या किया, ज्ञान प्राप्ति हो गया।
लगता है माथा के भोज रहा होगा, जल्दी जल्दी नहीं सीख पाया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तपस्या कर रहे हैं। तो महावीर स्वामी 12 वर्ष तपस्या किए, इसका अध्याय कौन किए? गौतम बुद्ध। ठीक, तपस्या ये भी करी, तपस्या वो भी किए, इसका भी ज्ञान प्राप्ति पुस्तक इसका भी है। ज्ञान के प्राप्ति का स्थल कौन है? जुम्बीकरण। क्या है? नदी कौन सा है? ऋजुपालिका। नदी कौन है? ऋजुपालिका। वृक्ष कौन है? साल। कौन सा वृक्ष है? साल वृक्ष। इसके बाद जो महावीर स्वामी, उसका एक भाई था, उसका भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन। क्या नाम है? नंदीवर्धन। अब मान लीजिए कि महावीर स्वामी ने भी किस कोई ना कोई भाषा में अपना उपदेश दिया होगा, उसका भाषा कौन है? प्राकृत। और उसका भाषा क्या था? पाली। तो ये बात आइए दिए हैं कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। तो इसमें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने कितना सिद्धांत दिया? महावीर स्वामी उसके जस्ट बाद आए कि नहीं आए? तो जैसे मान लीजिए कि हम कोचिंग चला रहे हैं ना, तो अपना कुछ ना कुछ नियम कानून मेरा है कि नहीं? यानी हमारे आने के बाद कोई टीचर नया आवे तो क्या करेगा? जो मेरा नियम कानून अच्छा रहेगा वो रखेगा, बाकी को हटा देगा, अब उसे ऐड कर लेगा, है ना? तो वही किए महावीर स्वामी, जो चार सिद्धांत दिए थे उसे हटाए नहीं, उसे रखे, अपना लिए और एक अपना नया सिद्धांत दिया। यानी महावीर स्वामी ने एक नया सिद्धांत दिया, इसका नाम दिया ब्रह्मचर्य। समझ गए? पूछेगा कि महावीर स्वामी ने एक नया सिद्धांत कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य। यानी चार उपदेश उसका ही है, समझ गए? इसको अपना लिया, बोला कि ठीक है, नियम सब गड़बड़ नहीं है, सब नियम चले वाला है, रहने दीजिए, ये अपना लिया जाएगा, लेकिन एक नया सिद्धांत कौन जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य। समझ गए? ना जिसका उम्र होता है, जो शादी ब्याह नहीं होता, बोला ठीक है, तो ब्रह्मचर्य को क्या हुए? जोड़ लिए। एक बार फिर से रिविजन कीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए फटाफट कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? अवतार या गुरु? अवतार या गुरु। गुरु। बताइए फिर से, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या है? जन्म कब हुआ था? जन्म स्थान? मृत्यु? मृत्यु स्थल? माता? पिता? कुल? पत्नी? संतान? प्रिय दर्शन या अनुजया? ठीक, इसी प्रकार हम लोग ने जैन धर्म को भी और बौद्ध धर्म को भी खत्म कर लिया, समझ गए? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए।